जोमिया तारिक सिस्टर पूछते हैं कि हाउ यू बोथ मेट। बोथ हमारी बात यानी यहां चार बंदे हैं। हाँ शायद, लेकिन वो उसने सवाल के पहले जो लोगो है ना, हम वो हम दोनों का मतलब एक्चुअली आपकी और मेरी स्टोरी जो है ना बताने के लायक है। ब्रो बता दो। नहीं बता दे, बता दे, बता दे, लोग रोने शुरू कर देंगे। बता दे ब्रो आज यार। एक दफा मैंने ओमान में गाड़ी कैंसिल की। नहीं नहीं मैं बता दूं, बारिश हो रही थी। ये छोटा कैंसिल अल्लाह अकबर एंड इट्स ट्रू यार, आई रिमेंबर, सुभान अल्लाह। मुझे मुझे कॉल आती एक बंदे की ना के मुजम्मिल नशीद चलाना पीछे जाता है। आप क्या पढ़ रहे हैं? मुझे बोलनी पड़ी है। चलो मैं करता हूं। तो मुझे कॉल आती एक बंदे की, कहते हैं कि तोहा आई वांट टू मीट यू। मैंने कहा अच्छा, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? आपको फैन पंखा देखा? आपको पंखा वो तो ड्यूटी का, मेरे को बड़े इजी है उन्हें पंखे। नाइस यार, ड्यूटी का मेरे पास बड़े इजी है। तो इट वाज लाइक brother, I want to meet you and I came back from Dubai and Dubai. So Dubai, 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 काफी पीछे बढ़े। एक दिन मैंने जाना था यार, कौन सी जगह थी यार, चकशजाद से अल-नफीस मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल था, और ये चकशजाद से भी आगे है, अराउंड 45 मिनट जर्नी फ्रॉम माय हाउस। अच्छा, और आई केम बैक फ्रॉम फुटबॉल एकेडमी और बारिश शदीद हो रही है। कॉल आई मुझे, आई वांट टू मीट यू, मैं आ जाऊंगा, आप जहां बुलाएं मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, यही दिन है, आज आजमाने का दिन है। मुझे वो क्लिक हुआ, इनका अच्छा आईडिया। मैंने कहा मेरा लेक्चर है एक जगह पे, तो आप आ जाएं मुझे पिक कर लें इंशाल्लाह। एंड यू नो व्हाट, मैं आई हेट ड्राइविंग अलोन। ठीक है, मुझे मुझे ना सुसाइड करने का जो है ना, ये दिस इज सॉलिड रीजन फॉर मी टू डिस्कवर सुसाइड। ठीक है, लावला वाला कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप आ जाएं, हम बैठे चलते हैं इंशाल्लाह। तो वो साथ माशाल्लाह आए और मैं मिला। मैंने कहा कि तो हम दे इकट्ठे गए गपशप मारते हुए, वहां लेक्चर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां से फिर वापस आए। ब्रो इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, सख्त पानी, और वो जो है ना वहां मेरे साथ से मुलाकात हुई, और मैंने कहा माशाल्लाह यार आजमाइश में एक्चुअली गाड़ी ने बोर्ड का काम दिया था उस दिन एक्चुअली। ब्रो सुभान अल्लाह, इट वाज सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज टाइम के मुझे पता चल गया अबू साद इज अ पर्सन ऑफ डेडिकेशन एंड ऑनर एंड डिग्निटी एंड कोलैबोरेशन एंड आर डी। चलो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। एंड ऑफ चेंज नहीं माशाल्लाह। अच्छा, हाउ वी मेट वैसे? हाँ, आवर फर्स्ट इंटरेक्शन इज मुझे याद है कि हम एक मस्जिद में थे, आप इत्तेकाफ बैठे हुए थे, और मैं वॉशरूम से आ रहा था, और आपने पूछा कि एक्सक्यूज मी, स्क्वीज मी, और आपने कर दिया और ये स्क्वीज मी, सॉरी ब्रदर आई कांट स्क्वीज यू मैन। तो आपने कहा कि हाउ डू यू टाई दिस बैंडना, ये आपने पूछा था। दिस इज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन जो मुझे याद है, और इनका भी मुझे याद है कि हमारी इंटरेक्शन इस तरह थी कंफ्यूजन की। अच्छा, ये मुझे कोई और समझे, मैं चलता मिलता चला गया, और बाद में जो इंटरेक्शन होगी। हमने फुटबॉल समर के मॉस किया था, और था बच्चों का, और 2013 की बात है, वैसे के सामने, ठीक है, हमारे भाई हैं, तो वो बच्चों का था, तो उसमें ना मैं बच्चों को डील कर रहा और रजिस्ट्रेशन और सब हो रहा, और एक बहुत बड़ा बच्चा आ गया दाढ़ी के साथ, एक वो ये आए और स्लीपर्स में आए थे। अच्छा, तो इनकी शक्ल ना वैसे मिल रही थी, ठीक है, he came to join the summer camp, वैसे मेरी दाढ़ी वो छोटी वाली बिल्कुल ना हल्की सी दाढ़ी रखी हुई थी, तो उस टाइम मैंने कहा वैसे के बड़े भाई हैं और घर से निकले और देखा और चले भी गए और हमारा इंटरेक्शन हो गया। आपको याद है यार क्या भाई का नाम था यार, मुझे पता है, कौन लंबा शेरी भाई, नहीं नहीं जो उधर ही फ्लैट्स में जवाद, यार जवाद, बेसिकली जवाद मेरे स्कूल में मेरे से जूनियर था 2 साल ऐसा कुछ ना, तो मैं आया, तो मैं एक्चुअली मैं ना देखा, मैंने कहा तो बच्चे यहाँ पे कुछ सीन ही नहीं है, मैं जा रहा था और फिर मुझे जवाद मिला,
उसने कहा वो ही वाज उस टाइम वाईसी में था, उसने मुझे कहा 15 मैं आपको मिलवाता हूं, तब आपसे सलाम दो, आपने कहा ये वैस का बड़ा भाई और मुझे वाईसी में ये नदीम भाई जो है ही वाज एक्चुअली द पर्सन जिन्होंने मुझे वाईसी में, वैसे नदीम भाई इज ऑलवेज द पर्सन जिसने मुझे भी किया था।